अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। अभी वहाँ कितना चहल पहल होगा ना चंदेर भवन में, सब कितना खुश होगा। राजीव बाबू तो खुशी से झूम रहे होंगे, बहुत खुश होंगे। बल भी मिल गया, अब कुहूं भी चली गई। दूर से ही देख लेंगे माई बाबू को, नहीं तो माई हमको ऐसे देखेगी तो बहुत तकलीफ में हो जाएगी। हमारा राजीव बाबू का सफर इतना ही था, इतना ही साथ था हमारी तकदीर में। बोले बाबा, तुम हमको एक काम दिए थे ना, एक जिम्मेदारी दिए थे ना तुम हमको, वो निभाए हम। अब कभी भेंट नहीं होगा राजीव बाबू से हमारा। हम लौटाए हैं भोले बाबा उनका विश्वास, उनका बल, सब। लेकिन राजीव बाबू के साथ बिताया हुआ हर पल, जब हम उनको पहली बार देखे थे और उसके बाद, जय माता रानी, जय भोलेनाथ। राजीव बाबू की रक्षा करना। भोले बाबा उनको यहीं छोड़ के जा रहे हैं राजीव बाबू के साथ, बस उनका ध्यान रखना। हे बाबा भोलेनाथ, कि लड़की ब्याह कर जिस घर में जा रही है उस घर की ढाल बन जाए, उस घर को कोई दोष, कोई नजर, कोई श्राप न लगे, ये उस घर का नजर बट्टू बन जाए। जब तक इसके कदम उस घर की दहलीज के अंदर रहे, उस घर पर कोई भी आंच न आए। हमको अपने आखिरी सांस तक क्या रहेगा, आखिरी सांस तक क्या रहेगा, कभी नहीं भूल पाएंगे हम। कभी नहीं भूल पाएंगे राजीव बाबू की। सावन तो चला गया, पर ये बिन मौसम बारिश कैसे हो रही? ये बिन मौसम बरसात संकट का संदेश है। हेलो हेलो, चक चक चक, भांटू थ्री भांटू थ्री। ये सब क्या है हंसनी भाभी? ये है मनहूसियत की विदाई का केक, हम बनाए हैं फोन पर इंटरनेट पर देखकर। जश्न का आगाज, क्या बात है, बहुत बढ़िया। ये क्या कम तमाशा करती है, वो शेर थी, ये सवा शेर। लीजिए केक कटिंग का चाकू है, लीजिए, देखिए देखिए। हाँ हम बताते हैं, और ये फोटो वाला केक है, और इस केक पे आपकी मुसीबत की सकल है गर्दन समेत। हम तो कहते हैं काट डालिए, सर को धड़ से अलग कर दीजिए हमेशा हमेशा के लिए। कभी कभी दिल खुश कर देने वाला काम करती हमारी हंसनी बहू। आ बेटा चलो। बाबा अरे आओ तो भाई, चलो काटो काटो इस बला को, सर धड़ से अलग ही कर दो इसका, फिर देखो कैसे खुशियां लौटती इस परिवार में और तुम्हारी जिंदगी में। ना मायूस ना होना, अरे रिश्तों की लाइन लगवा देंगे तुम्हारे लिए,
एक से एक लड़कियों का ऑफर आएगा चंदेल कंस्ट्रक्शन के मैनेजिंग डायरेक्टर राजीव चंदेल के लिए। ये रहे तू धड़ से अलग कर सर। हाँ दादा जल्दी केक कट करो ना, फिर पहला पीस आपका और फिर दूसरा हमारा। और मल लो ये बेशर्मी का केक अपने मुंह पर ताकि एहसास तो हो जाए अपने गुनाहों का। कसम देके तूने बहुत बड़ी भूल की कुहू। चलो जश्न का आगाज रुकना नहीं चाहिए, काटो बेटा चलो। दादा जल्दी केक कट करो ना, देखो हंसिनी ने कितना अच्छा केक बनाया। ठीक नहीं है, जो कुछ भी हो रहा है ना ये ठीक नहीं। बेवजह है, बेवकूफ है, कबाड़ है, निकाल दिया ना घर के बाहर हमने, फिर उस पर इतना वक्त जाया क्यों कर रहे हम लोग। और वैसे भी उसके नाम का उसकी शक्ल का ये केक ना खाने के नहीं जमीन पर पैरों की ठोकर के लायक है। अरे हटाओ इसे। अच्छा। बात तो बिल्कुल सही कह रहा मेरा बेटा, खत्म करो ये अध्याय, ये कुकांड। ये लाइट्स को क्या हो गया आज? पहले तो कभी ऐसे इस घर में अभी बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो इससे पहले कभी नहीं हुआ। कौन है वहां? कौन है? अरे कौन है कोई बोलता क्यों नहीं? कोनो जानवर मालूम पड़ता है। फिर से बचा लिया आप हमको, बहुत काम कराते हैं ना हम तुमसे। खीर बहुत ही स्वादिष्ट बनी है माई। खीर क्या? बहुत ही पसंद है अपनी कुहू को, बस एक बार उसे अपने हाथों से खिला पाती। जब से गई है ये सब खाने का मन ही नहीं होता। अरे माई तू भी ना, अरे तेरी कुहू वहां रोज मुजफ्फरपुर में 56 भोग खाती होगी। और ये राजाओं क्या तो रोज ऐसे ही पूड़ी खीरनी बनता रहता है। तू खा टेंशन ना ले। नहीं मन नहीं होता। इसलिए नहीं होता है कि शायद माँ का मन जानता है राजा के घर बेटी रानी नहीं नौकरानी है। हमारे बाबू बोले कि हमारी दो बिटिया उसको बड़का बाबू किया लेके आए, एगो को बहू बना के एगो हम माने कुहू को दासी बना के। क्या हुआ काहे उठे? मन नहीं कर रहा है। कहा मन नहीं कर रहा है? इच्छा मर गया हमारा। एक और खीर के लिए तो उसका प्राण नहीं देते मैं, लेकिन आज नहीं कहेंगे। तो बस तेरा आशीर्वाद चाहिए, बस तू मन से आशीर्वाद दे दे और कुछ नहीं।
अरे भाई खाना वाना तो लग गया है, प्रभादी कहाँ है? उमी, बुआ कहाँ है? बुआ जी अपने कमरे में। सरोज एक काम कीजिए, खाना प्रभादी के कमरे में भिजवा दीजिए। हुकुम, बिजली मिस्त्री ने घर के सारे फ्यूज चेक कर लिए, वो कह रहा है यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कहाँ प्रॉब्लम है भाई? एक काम करो अवधेश, खुद जाके क्रॉस चेक करो एक बार, फिर बताओ हमको। जी हुकुम। अरे खाना क्या हुआ दादा, ये सब्जी तो आपकी पसंद की है, खाइए ना, रुक क्यों गए? अरे नहीं वो भूमि, रहने दो साग वाग, जश्न का दिन है, बिरयानी का दिन है, बिरयानी खाएंगे। एक खा के देखिए और रहस्य सब भूल जाएंगे आप। भैया तो जो खिलाओगे दम धर के खाएंगे, इस नई राहत ने भूख बढ़ा दी हमारी। कहते हम तुम भी सकल देखने के लिए, हमारा नजर बट्टे वाला सकल। कुहू गई राहत आई, सबने खाई पार्टी, बला टली घर से भागी कुहू कुहू दासी। अरे बस करो ये सब, चीख क्यों रहे हो भाई? चीख नहीं रहे बाबा, बंद करो ये सब तमाशा। तमाशा नहीं है बेटा, जश्न है। जश्न नहीं, बेवकूफी है। बेवकूफों की तरह उसकी महिमा गा रहे यहाँ पे सब, गुणगान कर रहे उसका। अरे जरा आप लोग ही सोचिए, उसको जो करना था ना उसने कर लिया और चली गई यहाँ से, और आप लोग क्या कर रहे हैं? उसके जाने के बाद भी उसको अपने सर पर ढो रहे हैं, उसके जाने का जश्न मना रहे, केक काटा जा रहा है उसके नाम पर। अरे फेंके हुए कूड़े को इतनी इंपॉर्टेंस दे रहे, घर से बाहर फेंके हुए कूड़े के लिए ना जश्न नहीं मनाते। लेकिन राजीव जी वो कुड़िया तो शराब, तू अकेली आई है? राजीव जी जो कहा है? बरकत जी मिलना तो बहुत दूर की बात है, वहां आने के बारे में सोचेगा भी नहीं। तुम भी यहाँ कैसे आ गई? हमारा मतलब बड़का बाबू बोले थे ना कि तुम यहाँ से एक बार चली गई तो हमरे साथ कोई संबंध नहीं रख सकते, फिर क्या कैसे? तुम लोग का बहुत याद आ रहा था, हमसे रहा ही नहीं गया, इसीलिए मिलने आ गए। उधर कछु हुआ का? नहीं नहीं तो कुछ नहीं हुआ, हम तो वहां बहुत खुश हैं। सकल से तो नहीं लग रहा है, क्या हुआ हमारे सकल को? हमारे सकल पर कभी कुछ दिखा है का? तुम्हारे आंसू तो कुछ और ही बता रहे हैं। बैठ बैठ, मिलने आई है तो दबे पाव का है, वो भी खिड़की से कूद के रात के अंधेरे में। ये तुम्हारा अपना घर है, सामने के दरवाजे से काहे नहीं आई? का हुआ कु? माँ वो तुम रही है, पलक भी झपकोगी ना तो दिल तक देख लेंगे, कुछ बोलोगी भी तो फिर खाओ हमने कसम।
हमरी कसम खाओ कि सब कुछ ठीक है। काहे जुल्म कर रही है इस पे, झूठ के बोलेगी नहीं और सच ये बता नहीं पाएगी। कसम मत दे इसको, हम बताते हैं। तो भाई कुंठा है, निराशा, फ्रस्ट्रेशन। अरे भाई शेर बच्चा है मेरा, शिकार करना फितरत है इसकी। अब कुहू को खदेड़ के भगाना चाहता था, वो हो नहीं पाया उससे, तो थोड़ा सा किसे आया हुआ है। समझ रहे हम, सब समझ रहे हम, शिकार बड़ा चतुर निकला, तीर लगने से पहले ही पराया हो गया। कोई नहीं, थोड़ा वक्त गुजर जाने दो, ये कुंठा भी चली जाएगी राजीव की जैसे वो लड़की चली गई। कुहू नाम की चिड़िया कोई थी भी, ये भी याद नहीं रहेगा उसको। वो तो कुहू ने हमको कसम दिया था कुछ न बताने के लिए, वरना उसे जब सब कुछ बता दे तुम लोगों को। ये हमारी बेटी है, हमारा दूसरा बेटी, पर हम तो खुदा ही बदल गए। इस घटना को देखने के बाद हमारी आंखें खुल गई, अपनी कुहू असली कुहू को पहचान गए, हम बदल गए। बदल तो गए थे, तो हम भी सोच रहे थे कितना बोलने बरसने वाले इंसान इतना शांत काय हो गए। उसे इतना नफरत करने वाला आदमी हमेशा अपनी कुहू बिटिया के बारे में बात करते हैं, और कुहू के बारे में बात करने पे उनकी आंखें भर जाती है। काय नहीं करते इसे नफरत, कर ही नहीं सकते। देवी है ये, भगवती है, दुर्गा है, दोषी हम, इसकी दोषी है हम, रक्षा नहीं कर पाए हम इसकी। ब्याह दिए ऐसे घर में, ऐसे परिवार में जिसका कोनो पता नहीं, कोनो ठिकाना नहीं, उसमें लड़का भी ऐसा। और फिर जब बड़ी सभा में लोग इसको दासी बोले, बेइज्जत किए इसको, तब भी हम पलट कर जवाब नहीं दे पाए। अपनी कुहू के साथ खड़े नहीं रह पाए। ठीक से देख लीजिए, हम कौन नजर से इतना जबरदस्त चंदेल खानदान की बहू लगते हैं। हम कुहू, हमको चंदेल भवन का दासी बना के लाए। दासी थी वहां, हम सेवा करने गए थे ना। हम हाँ, तुम सेवा किए, मैंने पत्नी बन के सेवा करे या दासी बन के, का फर्क पड़ता है। हमको सेवा करना था, हम किए, और हम बहुत खुश हैं। सच्ची हम बहुत खुश हैं, और हम सच कह रहे, हम अपना काम ना बहुत दिल से पूरा किए, अच्छे से पूरा किए। पूरा किए मतलब? उमाई, हम तुम अभी कुछ छुपा रही हो, कछु हुआ है ना तुम्हारे साथ? क्या हुआ तुम्हारे साथ, क्या किया है उन्होंने? उन्होंने तुम्हें बाहर तो नहीं निकाल दिया? नहीं माँ, रुक तू बैठ और शांत हो जा। शांत है हम, कुहू की आवाज लग रही है। सच सच बताओ, तुमको उन्होंने भगा दिया ना? नहीं भाई, भगा नहीं है, हम खुद आए हैं, कहीं हमारा काम हो गया ना। कौन सा काम, कैसा काम, तुम क्या बोल रही है?
माए देख, जो राजी बाबू है ना, उनका मनोबल खो गया था, उनके जो अंदर का विश्वास है ना, वो बचा ही नहीं था। माने वो दिन भर अपने कमरा में बंद रहते थे, सब लोग परेशान, भगवान भगवान को तो मानते ही नहीं थे, पर हम मेरी कुहू हम उनके अंदर विश्वास जगाए, मनोबल पैदा किए, अभी वो काम पे भी जाते हैं, सबसे खुशी खुशी बात करते हैं, भगवान को भी मानते हैं, बहुत खुश है। अरे तो हमको पता ही था ना कि ना हमारा ब्याह हो सकता था और ना हमको मुनियादान मिल सकता था, जो मिला वो भोले बाबा का कृपा है, अब भोले बाबा तो जरूरत से ज्यादा दे दिया हमको, तो बस हमारा काम हुआ ना, इसलिए हम चले आए। चले आए मतलब कि तुम चली आई? जी 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 जी, कितनी गलत बात है, का हमने यही सिखाया था तुमको, ऐसे कैसे कर दिया तुमने, वो तुम्हारा ससुराल है, अर्धांगिनी पति का साथ मरते दम तक नहीं छोड़ती। माए माए तू धीरज धर, भोले बाबा का यही आ गया था, कि हमारा और राजीव बाबू का जो रिश्ता है उसका सफर यहीं तक था, और वो सफर खत्म हो गया।